इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जासूसी के मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा भारत को अस्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश, विपक्ष बना साजिश का शिकार। योगी ने पूछा क्या ट्रंप के दौरे के वक्त दिल्ली में दंगे साजिश का हिस्सा नहीं थे, भारत की छवि खराब करने के मंसूबे के साथ काम कर रहा है विपक्ष। योगी ने कहा कोरोना काल में माहौल दूषित किया, विपक्ष ने की नकारात्मक राजनीति, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने अराजकता पैदा की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जासूसी कांड पर सरकार को घेरा, कहा जासूसी कोई नई बात नहीं है, महंगे उपकरणों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करना गंभीर मामला। मायावती ने ट्वीट कर सरकार से मामले की जांच कराने की मांग की, कहा मामले में सरकार की सफाई लोगों के गले नहीं उतर रही। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का पेगासस फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर हमला, कहा अगर सरकार सही तो जांच कराने से क्यों डर रही। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज हुई, जल्द होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक इसी महीने आखिरी तक नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। योगी मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों को मिल सकता है मौका, केंद्र की तर्ज पर कुछ सदस्यों की हो सकती है छुट्टी। यूपी विधान परिषद की 4 सीटों के लिए बीजेपी ने तय किए नाम, जल्द होगा नामों का ऐलान, संभावितों में जितिन प्रसाद का भी नाम। उम्मीदवारों के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश, कल जेपी नड्डा से मिले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल थे। यूपी लॉ कमीशन अगले महीने सरकार को सौंप सकता है जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट, आयोग को अब तक 8,500 से ज्यादा सुझाव मिले, 19 जुलाई तक मांगे गए थे सुझाव। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण 2021 के नाम से जाना जाएगा विधेयक, 21 साल से बड़े लड़कों और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों पर लागू होगा कानून। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एसपी नेता नरेंद्र सिंह वर्मा ने पीएम को खत लिखा, कहा जिससे 2 से ज्यादा बच्चे उन्हें ना दी जाए चुनाव लड़ने की इजाजत। यूपी चुनाव से पहले टीएमसी का वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का ऐलान, यूपी पंजाब दिल्ली बिहार त्रिपुरा असम ओडिशा में लगाए जाएंगे बड़े स्क्रीन। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव निर्णायक होगा, बीजेपी को शिकस्त मिलेगी, 2024 में दिल्ली में ममता बनाएगी अपनी सरकार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं जानी, मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। अयोध्या पहुंचे योगी सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक, सांस लेने में दिक्कत के बाद दो वेंटिलेटर पर रखा गया, लखनऊ के पीजीआई में चल रहा है इलाज। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज हुए आजम खां के समर्थक, ट्विटर पर निकाला गुस्सा, मुश्किल वक्त में आजम के साथ खड़े नहीं होने का लगाया आरोप। आजम की तबीयत बिगड़ने पर कल लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कराया गया था उन्हें भर्ती, फिलहाल तबीयत स्थिर, इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में डॉक्टरों की देखरेख में हो रहा है इलाज। मऊ के सांसद अतुल राय के परिजनों ने लगाई गुहार, कहा माफिया मुख्तार अंसारी से अतुल राय की जान को है खतरा, रेप केस में जेल में बंद है। अतुल राय की पत्नी का वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर अपने पति को निर्दोष करार दिया, जेल और पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा की भी मांग की। यूपी में बकरीद की नमाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए, सुबह 8 से 11 बजे के बीच पढ़ी जा सकेगी नमाज। कोविड के चलते एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर बैन, यूपी सरकार की एसओपी में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश। बकरीद पर गौवंश और ऊंट समेत प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर बैन, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर मनाही। बीजेपी सांसद गीता बहुगुणा जोशी ने केरल में कोविड महामारी के बीच बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी देने को बताया सस्ती राजनीति, कहा यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर पेश की मिसाल। कोरोना के चलते बिगड़ती अर्थव्यवस्था का इस बार बकरा मंडी पर भी पड़ रहा असर, अलीगढ़ में बकरा महंगा होने की वजह से नहीं मिले खरीदार। बकरीद से पहले लखनऊ की बकरा मंडी में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ी धज्जियां, कुर्बानी के लिए 80,000 तक में बिक रहे हैं बकरे। योगी के दोबारा सीएम बनने पर यूपी छोड़ने के शायर मुनव्वर राणा के बयान पर बोले महंत नरेंद्र गिरी, जमीन और घर बेचकर उत्तर प्रदेश की तैयारी कर दूसरे प्रदेश की तैयारी करने मुनव्वर, 2022 में भी सीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों को छूट, कोरोना संक्रमित होने की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पाने वाले वकील दिखा सकते हैं बीते 3 महीने की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। यूपी सरकार ने लखनऊ मेट्रो को बताया सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्वीट कर दी जानकारी, मेट्रो से 1 किलोमीटर का सफर करने पर चुकाने पड़ते हैं सिर्फ करीब 2.5 रुपए। यूपी एसएससी के जरिए सिलेक्टेड 534 युवाओं की नियुक्ति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया अपॉइंटमेंट लेटर। यूपी में 7 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर, आबकारी आयुक्त को हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाला गया, सेथिल पांड्यान बनाए गए आबकारी आयुक्त। देवशयनी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रयागराज के संगम घाट पर पूजा कर स्नान किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सभी प्रदेशवासियों को देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं। ट्विटर पर लिखा, हरि विष्णु की कृपा से सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि रहे। इलाज के नाम पर मरीजों से धोखाधड़ी कर रहे लखनऊ के 45 अस्पतालों पर पड़ा छापा। फ्रिज में दवाओं की जगह रखी गई थी बियर की बोतल। छापेमारी के दौरान ज्यादातर अस्पतालों के पास लाइसेंस नहीं। एक अस्पताल से डॉक्टर सभी गायब, सुविधाएं भी नदारद। प्रशासन ने अस्पताल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। कृषि कानूनों को लेकर गाजियाबाद के डीएम की पहल, 50 मिनट में डीएम ने पढ़ाया कृषि कानून का पाठ। निरंतर हुए प्रदर्शनकारी। मुरादाबाद में सीनियर अफसर्स के सामने राइफल नहीं खोल पाए कई पुलिसकर्मी। जीआरपी लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी पीयूष आनंद। लखनऊ में मोस्ट वांटेड साइबर ठग प्रमोद मंडल साथियों समेत गिरफ्तार। यूपी, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में था वांटेड। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सेक्टर 49 में बीएमडब्ल्यू कार लूटने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई कार भी बरामद की। बिजनौर में मुथुट फाइनेंस के दफ्तर में गोल्ड और कैश लूटने की कोशिश हुई। बदमाशों ने दोनों हाथ में लहराई पिस्तौल। कर्मचारियों के शोर मचाने पर हवाई फायर करके भागा बदमाश। लुटेरों को पकड़ने की कोशिश में पॉपकॉर्न बेचने वाले की मौत। कानपुर में कार चालक ने फिल्मी अंदाज में किया स्टंट। कार के आगे बोनट पकड़े लड़का लटका रहा, नहीं रोकी गाड़ी। पुल पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो। ग्रेटर नोएडा में एक शोरूम में रखे 12 लाख रुपए के मोबाइल फोन लेकर चोर हुए फरार। गैस कटर से शटर काटकर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 7 लोगों ने जान गंवाई, 102 लोग ठीक भी हुए। यूपी में वैक्सीन के अब तक 4,10,00,000 से ज्यादा टीके लगे। 3,43,00,000 के करीब पहली डोज लगी, 66,00,000 से ज्यादा दूसरी डोज भी लगी। 24 घंटे के अंदर यूपी में 2,18,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। 1% से भी कम रहा पॉजिटिविटी रेट। बकरीद की खरीदारी के लिए वाराणसी के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। सख्ती के बावजूद बिना मास्क के मार्केट में घूमते नजर आए लोग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।